विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर थाना अधिकारी ने लोगों को दिलाई शपथ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कस्बे के गणगौरी बाजार में नाकाबंदी के दौरान फुलेरा थाना अधिकारी रंजीत सिंह ने लोगों से तंबाकू का सेवन नहीं करने का आग्रह करते हुए स्वयं सहित परिवार के किसी भी सदस्य मित्र आदि को तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई। वर्तमान समय में कोविड के प्रसार के लिए तंबाकू भी एक कारण हो सकती है, क्योंकि कोरोना का वायरस छींकने, खांसने और थूकने निकलने वाले बूंदों के जरिए एक दूसरे को संक्रमित करता है। वहीं दूसरे रूप में धूम्रपान से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होती है। इसके अलावा धूम्रपान से श्वसन प्रणाली, सांस की नली, फेफड़ों को भी भारी नुकसान पहुंचता है, जिससे फेफड़ों की कोशिकाएं कमजोर होने से कोरोना संक्रमण से लड़ने की क्षमता अपने आप कम हो जाती है। इस दौरान थाना अधिकारी रंजीत सिंह के साथ पुलिस के जवान सहित कई लोग उपस्थित रहे। सर, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? आज विश्व निषेध दिवस पर लोगों को हमने इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग करने के लिए शपथ दिलाई गई। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान तंबाकू स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी हानिकारक चीज़ है। इससे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, तो लोगों को हमने ये जागरूक किया कि इस चीज़ का सेवन करना गलत है, जो खुद को, स्वयं और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इस लत से दूरी बनाएं। इस चीज़ की हमने शपथ दिलाई। लोगों ने मन से, तल से ये आज निर्णय लिया, प्रण लिया कि हम आज के बाद में तंबाकू का सेवन नहीं।